तो अभी हम लोग पहुंच गए न्यूयॉर्क सिटी। इतनी भीड़ है, लोग इतना वेट कर रहे हैं। ओए लखनी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग बीबी। तो सुबह सुबह उठ के हम क्या करने वाले, बताओ? हम क्या कर रहे हैं? नीतू सब कुछ कर रही है। मैं नहीं कर रही हूँ। पास्ता बनाना है। तो सुबह हमारा ब्रेकफास्ट है पास्ता। नहीं नहीं, आप ही सब कर रहे हो, आप हमें कुछ नहीं करने दे रहे। हाँ। मैंने कैबेज जीजू से मंगा ली थी, अब पता नहीं जीजू कैसी लाए होंगे। जीजू का डाउट है सब्जियों पर कि मैं अच्छी नहीं लेकर आता। बाजार में मिलेगी वैसी लाऊंगा मैं, तो उगा के थोड़ी ना लाऊंगा। नहीं नहीं, दीदी कह रही थी आपको सब्जियां लेने नहीं आती है। दीदी लड़कों को कहाँ आती है सब्जी लेने, है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी जी, आशीर्वाद दो। गुड मॉर्निंग जीजू, आशीर्वाद दो। जीजू, लोग कह रहे हैं आप अभिषेक बच्चन जैसे लगते हो, कमेंट्स पढ़े आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़े, अभी मैं देखूंगा। और कह रहे हैं दीदी नीतू जैसी लगती है, तो दीदी को ऐश्वर्या राय बोलो ना कम से कम। फिर बात तो सही है, जब हमारे दीदी को अभिषेक बच्चन, सॉरी जीजू को अभिषेक बच्चन बोल रहे हो तो क्या कह रही है? हम ऐसे भी होते हैं। ए, तुम दोनों एक जैसी क्यों लगती हो, तुम दोनों शक्ल से बताओ। अच्छा, नीतू ऐश्वर्या राय से कम है क्या? हाँ कम है, कम है, बहुत कम। अच्छा तो नहीं बनेगा यार, नीतू जितना अच्छा बाहर नहीं मिल सकता। नीतू ये बोलो, नीतू इतना अच्छा नहीं बन सकता। कम बोलो, नीतू क्यों पास्ता बना रही है? यहाँ पे अच्छा मिलेगा तेरे को बाहर, हमें भी खाना पड़ जाएगा बिना बारिश चक्कर में। प्याज ही प्याज काट रखे दिन निकले। पहले वो वाले बिस्किट देना मेरे को, जिसमें वो बेरीज लगी रहती है। दीदी ने मेरे को बिस्किट खिलाया, यहाँ के फेमस यूएस के बिस्किट्स है वो, उसमें ब्लू बेरीज लगी होती है, बहुत टेस्टी। हाँ, आपको भी अच्छा लगता है वो? मैंने ड्राई फ्रूट्स कैसे लग रखे आपने? ट्रेल मिक्स है, ट्रेल मिक्स बना रखे ना। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेल मिक्स, रोस्ट करके उसमें सॉल्ट वगैरह डाल के। हमारे यहाँ नहीं बोलते ट्रेल मिक्स। मैं इतने सारे कौन खाएगा तुम? तो किसके लिए करे आप? अपने लिए करे होंगे आपने? नहीं, तो खाएंगे नहीं, लखनऊ तो कुछ खाते ही नहीं है। हाँ, लोगों को पता थोड़ी है। दीदी जीजू ने उनको कमजोर करके भेजा, लोग तो देख ही नहीं रहे व्लॉग हमारे, कुछ खाते भी नहीं है। ये रहे वो बिस्किट, और मैंने फाइनली वो जगह भी देख ली जहाँ पे दीदी बिस्किट रखती है। अब दिन में तीन चक्कर मेरे यहाँ के लगेंगे ही लगेंगे। मैंने बर्तन सारे रात धो के रखे थे नीतू। अच्छा। उधर हाँ, दोबारा साफ करके रखियो। तो सुबह सुबह दीदी ने सबसे पहले चाय बना दी है मेरे जीजू के लिए। खुद के लिए क्या बनाया आपने? कुछ नहीं। अरे यार दीदी कितनी सेवा करती है। नीतू मतलब मेरी पास्ता, वो तो आप खा नहीं पाओगे। अच्छा, क्योंकि आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। घूर क्या रही है? लग ही नहीं रहा हम यूएस में। सुबह सुबह चाय पीते हैं, दोपहर में कढ़ी चावल खाते हैं, शाम तक राजमा चावल पे आ जाते हैं। ये चीज़ हमारी ऑडियंस ने अभी तक नहीं देखी कि हमारी बहन भी चैन से बैठ के कुछ खाए। देखो ये भी खाती है, सुपर ह्यूमन नहीं है। हमारा दक्ष इतना स्वीट है, अभी यहाँ पे बैठा वो देख रहा है कि हम चारों बातें कर रहे हैं और नीतू वहाँ पर कुछ बना रही है, तो बार बार दीदी को बोल रहा है। क्या बोला दीदी इसने आपको? क्या बोल रहा, बता दो। मामी की हेल्प कर दो मम्मा। वाह यार, कितना। अब ये चीजें जीजू कोई सिखा भी नहीं सकता यार इस एज पे, मतलब अगर अंदर से उसके नहीं आ रही ना, तो आप कितना उसको फोर्स करोगे? वो खुद से बैठ के देख रहा है और खुद से बोल रहा है सारी चीजें। मुझे टोक के बोला मम्मी मामी की हेल्प कर दो। वाह यार दक्ष। और अभी तो कुटने वाला था थोड़ी देर पहले दीदी से, मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे जज्बात बदलते हैं हमारे। चली गई अब मामी। तो गाइस आज हम लोगों को एक्सप्लोर करना न्यूयॉर्क सिटी। अब मैं नहाऊंगा, उसके बाद रेडी होऊंगा और बहुत सारे वार्मर्स पहन के जाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, और बाहर पता चलता है ठंड का। घर के अंदर तो पूरा सेंट्रलाइज हीटिंग लगाया हुआ है, तो यहाँ पता नहीं चल रहा, बाहर निकल के हालत ख़राब हो जाती है। ये क्या भाई, क्या हुआ? यहाँ पर रोबोट है, बट स्टिल जो अपने हाथ में सफाई होती है वो रोबोट्स में कहाँ होती है। सही से कर फिर। दीदी तो कुछ करने नहीं दे रही वरना अपने को। हाँ, चुपचाप लेकर आई हूँ मैं। अच्छा, उन्हें पता नहीं अभी? अभी पता चल जाएगा तो बोलेंगे छोड़ो इसे, फिर डांटेंगे ना। हाँ, बट यार बार बार हो जाते हैं ना यार, इसलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, प्लीज हो जाओ। तो आज हम न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हम लैंड न्यूयॉर्क में ही होते, लेकिन लैंड होते सीधा न्यू जर्सी आ गए थे जीजू के साथ। बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने जीजू का ये ओवरकोट लिया है, अभी भी मेरे को ठंड लग रही है। वैसे आज नहाते टाइम ऐसा लगा पूरी नाक जाम हो गई है। यहाँ पे सारा सामान आ गया, शायद दीदी और जीजू ने भी रख लिया। जीजू ये तो बहुत अच्छी लग रही है, आपके कपड़ों की चॉइस वैसे बहुत अच्छी है। चलो थैंक यू। और थोड़ा बहुत अब गनीमत भी लग रही है मेरे को। नीतू ने पास्ता बनाया, मैंने पास्ता भी खाया, ठीक ठीक था, लेकिन आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? यस, दीदी ने मेरे लिए कढ़ी दोबारा से बना दी और मैं कढ़ी और चावल खा के तब न्यूयॉर्क के लिए निकलूंगा। जीजू मेरे को लगा था कि नीतू अगर बचपन ना करेगी तो आप उसको समझाओगे, और यहाँ जीजू ने उसको ये स्कूटर और लाके दे दिया, इसको चलाती घूम रही है। आज भी काफी ठंड है यहाँ पे, कैसा लग रहा है नीतू? ठंडा ठंडा। मुझे आज पता नहीं क्यों अब तक का सबसे ठंडा दिन लग रहा है यहाँ। नहीं यार, तुझे लग रहा? ग्लव्स भी नहीं ग्लव्स में ग्लव्स भी नहीं पहने ना।
तो ग्लव्स तो मैंने पहने ही नहीं, आज दीदी ने ढूंढ के दिया ग्लव्स मेरे को, मैं उनके वाले ग्लव्स पहनूंगा क्योंकि अपने मैं लाया नहीं था। मेरे को सच्ची अंदाजा नहीं था कि इतनी ठंड होगी, जीजू और दीदी मेरे को बता रहे थे पर मैंने उनकी बात बहुत हल्के में ली। यहाँ एक चीज़ आप देखना कितनी शांति है हर तरफ, उधर वो सामने वाले जो हमारे नेबर्स हैं ना वो तीरंदाजी कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। स्ट्रॉलर भी ले रहे हैं ना जीजू आज तो हम, इन दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए लेके चलेंगे। दक्ष खुद ही ले आया, स्क्रैच आ जाते। नहीं नहीं वो संभाल के ला रहा है ना दक्ष। नहीं तो तू क्या क्या सामान लेके आई है, ये क्या है इसमें? इसमें मेरे दूसरे कपड़े हैं। तू चेंज करेगी वहाँ पे? वहाँ कहाँ चेंज करने का मौका मिलेगा तेरे को? मिलेगा मौका। मेरे भी ले रखे कुछ? ओह सेंटा की कैप दिख गई मुझे उसमें रखी हुई। हाँ हमारा प्लान था ठीक 10 बजे निकलने का, बट कर्टसी लखन अर्जुन रावत हम लोग निकल रहे हैं ठीक 1 बजे। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी लो लग रही है बट होपफुली मेरे को फीवर वगैरह कुछ नहीं आएगा। रेडी बच्चा पार्टी? वो कहा दिखी नहीं भाई। तो गाइस आप जो देख पा रहे हो ना अभी हम, ये पूरा रिवर है, हम इसके नीचे से जाएंगे, है ना? रिवर के नीचे टनल है। हाँ, हम रिवर के नीचे से जाएंगे, अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है, वो सामने दिख रही है टनल। रिवर के ऊपर से तो बहुत बार हम गए हैं ब्रिजेस पर बट ये कुछ डिफरेंट होने वाला है अपने आप में। तो अभी हम लोग पहुंच गए न्यूयॉर्क सिटी और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक फेरी में ट्रैवल करते हैं। तो फेरी क्या है, शायद न्यूयॉर्क से 2-3 जगह आसपास वहाँ तक जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन वहाँ से इतना अच्छा व्यू आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का और पूरे हम न्यूयॉर्क को देख सकते हैं, उसका भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले फेरी को एक्सप्लोर करेंगे जाके। गुड डिसीजन। ग्लव्स लेने हैं ना? हाँ मैं ले लूंगा। अच्छा एक चीज़ अभी देखो, आपने जीजू ने यहाँ पे पार्किंग पे लगाया है तो अपने को पता चला जैसे ये है ना, यहाँ से अगर फायर ब्रिगेड आती है तो इसमें से वो पानी खींचती है, इसीलिए इसके सामने कभी हम पार्क नहीं कर सकते, 8 फीट की जगह छोड़नी होती है बाय लॉ। तो इसीलिए जीजू ने ये जगह छोड़ के और गाड़ी पीछे लगाई पार्किंग पर। अभी हमने वो जगह भी देखी जहाँ पर नया वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहाँ पुराना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे आप सबको पता है कि क्या हुआ, बट मुझे देख के बहुत इमोशनल मैं हो गया वहाँ पे कि वो सब सीन दिमाग में चल रहे थे, बट क्या ही बोलूं यार। मतलब तेरे पास कहाँ से आए? लेकिन ये मैं तो लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, मार्केट में भाग के गई खरीदा। अच्छा आज तो इसने गाना गाया था, मैंने देख लिया, मामा से शर्माती है। अरे आप यहाँ भी ले आए? थैंक यू बहन। नीतीश को रख लियो बैग में यार, रख लो अभी पीछे ही। पीछे ही कहाँ, इधर रख दे, जल्दी रख दे। ठंड तो है, गाड़ी से उतरते टाइम नहीं लगी, फिर थोड़ी देर बाद जब बाहर रहे तो अब लगने लगी दोबारा से। मेरे पास तो ठंड नहीं लगेगी। क्यों? दक्ष की और आयरा की कार, दक्ष ड्राइव करेगा आज, है ना? So guys, लखन ने अपनी ड्यूटी इतने अच्छे से निभा रहे हैं कि पूछो मत। ये देखो, वेरी गुड, देखा आपने? और मुझे बोला जा रहा है कि मैं सेंटा बनकर आई हूँ, पूरी पूरी सेंटा लग रही हूँ, पूरा रेड पहना है मैंने। कोई बात नहीं यार, अपनी अपनी ड्रेसिंग होती है, जो मन करे वो पहनो, जो अच्छा लगे वो पहनो। और सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही क्योंकि ये इतना वार्म है, और अभी हमें फैशन नहीं, अपना कम्फर्ट देखना चाहिए। यहाँ हमें दिख रहा है ये इतना ज्यादा फॉग, पहले मुझे लग रहा था ये ऊपर से अगर आपको दिखेगा तो मुझे लग रहा था ये क्लाउड बन रहा है, जिसमें मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की गई थी, लेकिन मुझे इंसल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी करे, मेरा खुद का हस्बैंड ही क्यों ना करे। वेल वो इंसल्ट नहीं थी, बहुत ही फनी इंसिडेंट था वो, मैंने सडनली बोल दिया था, सो इट्स ओके। बाकी देखो 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 क्या बादल बन रहा है, बादल यहाँ भी देख सामने ऑडियंस को, ये देखो ये क्लाउड। बाकी आप ऊपर ऐसे देखोगे तो कितना सुंदर नजारा है ये, और हमें आसपास अब कुछ खाने के लिए देखना है। मैं बताऊंगी एक्सपीरियंस अपना, जहाँ पर भी हम खाएंगे यहाँ पर इंडियन है तो आप इंडियन देख रहे हैं, क्योंकि यार हम इंडियन लोग, इंडियन के अलावा एक पॉइंट पर आकर सब कुछ खत्म हो जाता है, एक पॉइंट पे आकर सब कुछ यू नो ऐसा होता है कि इंडियन ही चाहिए। जीजू बुला रहे जल्दी आ जाए, मैं कह रही क्या हो गया तो ये लोग, ये दोनों क्यों पकड़ा हुआ है आप दोनों ने, भाई बहनों ने? दीदी हाथ हटा रही है मेरा। ये लखन कैमरे को देख के ऑन हो जाते हैं। लखन लखन देखो, आज से 30 साल बाद हम दोनों ऐसे चलेंगे। कैसे? जैसे दोनों चले। हाँ 30 साल ज्यादा कम बोल दिया मैंने। मैं जो मैन था ना, थोड़ा चिड़चिड़ा सा लगा था मेरे को। वो तुम हो ना? 1 2 4 4 2 1 माय नेम इज लखन। तुम चिड़चिड़े ही तो हो, बहुत बोलती होगी ना वो जो थी, इसीलिए। दीदी देख रहे हो भाई, जीजू हमें एक एक गलियों से लेके जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो देखो वो स्टैचू ही है ना, यहाँ कैसी खुशबू आ रही, पता नहीं क्या है। खाओगे पूरी?
खाओगे बेटा पूरी? काश मिल जाए। लक्सु पूरी खाओगे? मन कर रहा है मेरा भाई। तुम पहले इनको निकालो, कहीं मुझे भी गिराओ, बच्चों को भी गिराओ। नहीं बच्चे संभालने नहीं आते दीदी। लक्सु को अच्छा से संभाल रहे यार। दीदी अब आप साइड दे रहे हो यार, छोटी साइड दे रहे हो। जिस चीज में वो अच्छा कर रहे हैं मुझसे तो बोल रही हूँ, जिस चीज में नहीं कर रहा मैं बोल दूंगी सब। लगन अगर तुम्हें कोई फर्स्ट टाइम देखना होगा, ये बॉम्बे इंडियन रेस्टोरेंट, चलो बॉम्बे इंडियन रेस्टोरेंट, तुम्हें कोई फर्स्ट टाइम देखना होगा बोलेगा अरे लखन के दो दो बच्चे हो गए, फिर तुम्हारा तुम्हें बोलोगे मेरी यूएस में एक है जिसके बच्चे, ऐसे तुम कुछ बोलोगे? बताऊंगा मेरी बहन है उनके। वेरी फनी। हम आए हैं बॉम्बे में, अब देखते हैं इसमें खाना कैसा है। ठीक है दीदी, देखा जाए। इसको हम बाहर छोड़ सकते हैं, कोई लेके नहीं जाएगा? नहीं यार। चले लक्ष्मी चले अंदर, अब बताएंगे हम आपको, रिव्यू देंगे कैसा है। देखो दोनों कैसे लेके जा रहे हैं। वेरी गुड, चलो चले मितवा। दक्षु चलो, मैं कभी कभी दक्षु को लक्ष्मी बोल रही हूँ, सो डोंट माइंड। सो हमने यहाँ पर रख दिया है, अब हम अंदर चले। तो अभी हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है बॉम्बेज इंडियन रेस्टोरेंट, और यहाँ पर देखते कैसा खाना मिलेगा। वैसे आपने देखा मैं अपने गाड़ी में बैठने से पहले काफी कुछ खा के आया हूँ, बट मुझे बहुत ज्यादा भूख तो नहीं है, थोड़ा बहुत खाऊंगा जो भी लोग मंगाएंगे उसमें से। हमारा खाना आ गया है, छोले भटूरे। भटूरे भटूरे छोले भटूरे आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने खाना खा लिया, कैसा लगा आपको खाना? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अच्छा, आपको कैसा लगा? दीवार दिखा रही ब्लॉगिंग में, दीवार दिखा रही। चुप रहो, मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा लगा। दादा सीधी लड़की हूँ मैं, समझे? ये मेरे घर वाले मेरे साइड ही नहीं है। इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। हाय, बहुत ही टेस्टी था। कैसा लगा तुम्हें? मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आधा भटूरा मतलब एक भटूरा मैंने खाया, एक तूने खाया, दीदी जीजू ने कम कम खाया। अच्छा लगा आपको भी? मैंने तो राइस के साथ छोले खाए, वो भी काफी अच्छे थे, और मेरा एक बाल ऐसे निकल गया पता नहीं कैसे। आज मुझसे पूछो तो ज्यादा ठंड है नहीं, और इसकी वजह से तो मुझे वैसे भी नहीं लग रही है, मैंने ग्लव्स भी उतार दिए हैं, सो इट्स फाइन। रेस्टोरेंट के बाहर ही क्रिसमस का थीम लग रहा है, और हमारी सेंटा हमारे साथ घूम ही रही है। सेंटा ऐसे मत बोल तुम। और कैसे बोलूं बता? ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पहनकर आ गई है। तो वो तो लग ही रहा है। सो यहाँ पर हमें इन लड़कों के अलावा दिखे हैं ये प्यारे सा कुत्ता, कितना प्यारा है, क्यूट है, बिल्कुल मेरे ब्राउनी के जैसा। ब्राउनी मगर ज्यादा क्यूट है, नहीं ज्यादा छोटा है ना वो पुडल और माल्ट मिक्स है। माल्ट नहीं, मॉन्क। माल्टीज, मॉन्कीज, माल्टीज, मॉन्कीज। मुझे जितनी लखन के साथ बहस करने में मजा आता है ना, क्योंकि लखन का जो क्यूट क्यूट फेस बन के आता है ना बाहर, वो मुझे देखना बड़ा पसंद है। तो जान के और करती हूँ। जीजू यहाँ पर हॉट डॉग मिलता है ना? हॉट डॉग, फलाफल, फलाफल वगैरह भी है, चिकन कबाब। तो यहाँ पर हॉट डॉग जो बहुत ही फेमस है वो यहाँ पर मिलता है, और चिकन क्यों मिलता है? वेजिटेरियन चिकन क्या होता है भाई? कबाब बिरयानी मिलती है। अच्छा, पता नहीं यार ये सब क्या होता है। वेल हम लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और ठंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैसा लग रहा है लक्सु? ठंड तो ना सपना पूरा करा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और अभी जो इस हम टाइम पर आया ना, ये टाइम ऐसा है कि सबसे ज्यादा मजा फेरी में आएगा, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने का ये जो सबसे अच्छा मोमेंट आएगा। यार हमारी बहन कितनी आगे तक की सोच के चलती है, ब्लैंकेट भी लेकर आई है, दोनों बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए लेकर आई, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ठंड लग गई तो सबसे पहले मेरे पे दिखेंगे ब्लैंकेट। जीपीएस नहीं चल रहा, बस हम ही चल रहे हैं बहुत देर से। व्हाइट होल टर्मिनल समझो, सही है गलत है? और इन बसेस पे जाके भी आप पूरा यूरोप, सॉरी यूरोप कह रहा हूँ, पूरा न्यूयॉर्क घूम सकते हो। तो सीढ़ियों से मेरे को ऊपर जाना है, लेकिन अपने पास ट्रॉलर भी है, हम एलिवेटर ढूंढ रहे हैं। एक एलिवेटर है जो कि यहाँ बंद है, एलिवेटर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए ये लोग ऐसे जा रहे हैं। भटूरे खाए ना इसलिए मैं वॉक कर रही हूँ। सो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं फेरी देखने के लिए। हम पहुँच गए ये। तो यहाँ पर अब हम वेट कर रहे हैं फेरी का, और फेरी हमें सामने से मिलेगी। अभी ये सारे लोग एक ही फेरी में जाएंगे जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। बेतू, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? फेरी बोट, बोट बड़ी वाली बोट। डायपर चेंज करने है? उसने बता दिया, बता दिया। ओह, उसके बाद आयरा को दूध पीना ही बता दिया। ओके, डायपर। आयरा की सबसे अच्छी बात है कि जब भी उसको डायपर चेंज करना होता है खुद ही बता देती है, लेकिन एक खराब बात यह कि डायपर चेंज करने की नौबत ही ना है, क्योंकि वो जो जानती है सब चीजें है ना, वो समझती है, तो वो पहले ही बता दे कि उसको सुसु आई है, पॉटी आई है, तब नहीं बताती। पर जो फेरीज आती है वो हर हाफ एन आवर में होती है, हमने 4 बजे वाली मिस कर दी। हम 4:03 पे यहाँ पहुंचे थे, तो अब हमें 4:30 बजे वाली फेरी मिलेगी। और सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बाजार में कुछ फ्री का मिल रहा है, इतना भाग भाग के स्टेशन जैसा लग रहा है। अब है ना बहुत ज्यादा रश। मैंने जब तुम्हें बोला था सब भागेंगे, तो पता, मैंने बोला लखन ये सब भागेंगे, हम लोग आगे चलते हैं, तो लखन ने क्या बोला? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी चीज मैं आपको अंदर जाके बताऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस है हमारा और कैसा लग रहा है हमें, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, और ऐसा लग रहा है कि
पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, बट मुझे बैठने की जगह मिल गई है। आओ दीदी, बैठना नहीं चल रहा। दीदी कह रही मुझे नहीं बैठना, यही बैठी रह जाएगी वरना। अच्छा, नहीं बैठना उसमें फेरी में। तो हम वेट कर रहे हैं और हमारी फेरी आ चुकी है इन जस्ट 2 मिनट्स। इस गेट खुल गया, गेट खुलते एकदम भगदड़ सी मच गई है। सेम ऐसा लग रहा है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन हो। हम लोग फेरी पे आ चुके हैं और उधर वो सामने है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इस साइड भीड़ कम है, मैं इधर आ गया हूँ, वहाँ पे तो काफी सारे लोग हो गए थे। और यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी काफी ज्यादा ठीक दिख रहा है। काफी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है यार। हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ से दिख रहा है तो क्लियर। फिर भी उधर है सामने देख। हाँ, पर आयरा का दूध रेडी हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से फेरी कैसी दिखती है। हमारे दक्ष को लग रहा है कि अभी तक हम बोट में नहीं गए। दीदी से बार बार कह रहा हूँ बोट में तो गए ही नहीं। गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पुलिस की बोट साइड में चलती रहती है इस फेरी के साथ में, जस्ट इन केस कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कोई यहाँ से कूद जाए, तो पुलिस की बोट हर एक फेरी के साथ में चलती है। आगे वहां तक हमारी फेरी हमें ले जाके छोड़ेगी और उसके बाद हम वापस फेरी से दोबारा न्यूयॉर्क आएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसका एक्सपीरियंस करना था, इसीलिए हम फेरी में चढ़े, हमें वहाँ जाना नहीं है। तो अब हम दूसरी पार पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें सबको उतरना पड़ेगा, फिर से दोबारा चढ़ना पड़ेगा। और जीजू ने बताया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, आप देखो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, कुछ लोग आके इसी में रह जाएंगे कि अपना सही है, इधर से उधर हो रही है बस, अपने को वॉशरूम भी है, रहना खाना भी मिल जाएगा सब यहाँ पे, हमें खाने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा आपको। बट बहुत सारे होमलेस वाली दिक्कत है यहाँ पे यूएस में, इसीलिए पूरी बोट खाली करनी, बेशक आपको वापस जाना पूरी खाली करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको चढ़ना पड़ेगा पूरा राउंड लगा के। दोबारा हम फेरी पे चढ़ गए, अब अपने को वापस जाना है। नहीं तो यहीं पे बैठेंगे ना, तो नीचे ही। हाँ। नींद आ रही तेरे को? नहीं, सोना थोड़ी देर, बिल्कुल भी नहीं। मामा बच्चे की बॉटल दे दो, बच्चे की बॉटल दे दो मामा। ये लो, थैंक यू। ये लो, अब हम यहाँ से जाएंगे टाइम्स स्क्वायर, जो सबसे ज्यादा फेमस जगह है न्यूयॉर्क की, जो आप देखते हो ना अमेरिका, तो उसमें हमेशा वो जगह जरूर दिखाई जाती है, इतनी ज्यादा सिनेमैटिकली बहुत अच्छी लगती है वो देखने में। क्या हुआ भाई? और उससे पहले हम जाएंगे रॉकफेलर, दोनों जगह 10 मिनट दूर है। मैं देख रही हूँ तुम मुझे नोटिस करते हो नहीं करते, कि मैं तुम्हारी साइड में खड़ी हूँ, क्योंकि तुम मुझे नोटिस नहीं करते। कितना मुझे बदनाम करेगी भाई इसी जन्म में। सच्चाई अगर बदनामी है तो हमें मंजूर है। अभी हम कॉफी लेना है क्योंकि अब नींद आने लगी है, क्योंकि 6 बज गए और यहाँ अंधेरा काफी ज्यादा हो गया है। जीजू ने बोला है कि उनको हॉट कॉफी चाहिए, वैसे मुझे हॉट ही पीनी चाहिए क्योंकि गला थोड़ा सा खराब हो रहा था, बट मेरा कोल्ड का मन था क्योंकि यार ये ना फॉरेन में हॉट तो बिल्कुल एकदम फीकी होती है। मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कॉफी कभी ऐसा नहीं कभी टेस्ट नहीं की, बट मुझे टेस्ट याद नहीं। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम बहुत ही सुहाना है, ज्यादा ठंड नहीं है जैसे कल थी क्रिसमस वाले जो हम कल गए थे, जहाँ पर आज ज्यादा ठंड नहीं है। और आप देखोगे हर जगह लाइट्स ही लाइट्स हैं, और ये पता नहीं कैसी रोड है, आई मीन साइड पाथ जो होता है वो है। Yes. ये किसका गमछा चुराया तुमने? अरे गमछा नहीं है भाई, मैं लेकर आया था। ये पंकज, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी का, अच्छा, मैं इंडिया से ऐसे ही लेकर आया था। अब हम कार ढूंढ रहे हैं, जीजू का मानना है हमारी गाड़ी इधर ही कहीं है, और जीजू को भी याद नहीं है हमारी कार किधर है। एक तो अपना वॉक करना, चीजों को कैरी करना इतना मुश्किल होता है, फिर ऊपर से आते हैं छोटे बच्चे, उनका तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हमें दीदी से सीखनी चाहिए, आज से 4 साल बाद भी लखन ऐसी कुछ कर रहे हो। हम भी ऐसे घूम रहे होंगे उस टाइम, तुम भी घूमोगे ऐसे टाइम, दीदी ब्लॉग में आते घूम रहे होंगे मजे से, मैं और हम बच्चों के साथ। मैं तो फ्री होके घूमूंगी, तुम भी घूमो करोगे ऐसे। फिर लखन को मैं इरिटेट करा करूंगी। ऐसे आपको ये रोड दिख रही है, यहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट्स पहन कर, इतनी ठंड में भी। वेल मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहना है, एक हाथ में ग्लव्स पहने, एक हाथ में नहीं पहने, क्योंकि मुझे एक हाथ से शूट करना होता है इसीलिए। हम लोग अब यहाँ से टाइम स्क्वायर जा रहे हैं और जीजू काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि अभी एक नया टर्म जीजू ने मुझे बताया, वो है पीपल वॉचिंग। वो क्या होता है जीजू? तो पीपल वॉचिंग का मतलब है कि जैसे आप आओ एक जगह बैठ जाओ और लोगों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है एक ऐसा शहर है जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो आपको हर कलर के, हर तरह के लोग, अलग अलग कल्चर से यहाँ से सिटी में दिखते हैं। okay. तो लोग जनरली यहाँ के लोगों को काफी इंटरेस्टिंग फाइंड करते हैं, बिकॉज ये अलग अलग पहनावा, अलग अलग देश के लोग आपको एक ही जगह देख सकते हैं। सही बात है। अब जीजू ने बोल दिया हर कलर के लोग, तो नीतू पिंक कलर के लोग जरूर ढूंढेगी यहाँ पे। नहीं इसका है कुछ, अच्छा कहीं पे पता नहीं इसने कुछ पिंक। हाँ मैं उसके लिए गेमिंग सेटअप लगा रहा था जीजू, इतनी मेहनत करके मैं पूरा दिन
नेहरू प्लेस घूम घाम के इसके लिए सेटअप लाके लगाया। आई, मुझे लगा सरप्राइज दूंगा इसको मैं और बहुत खुश हो जाएगी। इसने देखा ये क्या है, पिंक कलर का तो लाया ही नहीं। हमारी गाड़ी में तीनों बच्चे सो चुके हैं, आप देख सकते हो। कर्राटे कौन से वाले ले रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन तीनों की बत्ती खुल है। सो फ्रेंड्स, क्रिसमस इवनिंग पर आने का ड्रॉबैक ये है कि हम लोग एक घंटे से इसी जगह पे घूम रहे हैं 700-800 मीटर पर, अपने कहीं पार्किंग नहीं मिल रही है। पार्किंग मिले तो गाड़ी पार्क करके हम जा पाए अंदर। यहाँ से हमें टाइम्स स्क्वायर दिख रहा है, बट अब ये नहीं पता वहाँ तक जाने में कितने घंटे और लग जाए अपने को। सामने आई डोंट नो आपको स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है, लेकिन वो टाइम्स स्क्वायर है, वही है ना जीजू? गुड मॉर्निंग नीतू। गुड मॉर्निंग। हाथ मिला ले, सोचते हुए जाइए पूरे रास्ते। सामने टाइम्स स्क्वायर है यार नीतू, जिसके लिए यूएस आना था मेरे को, यही एक्सपीरियंस करने आना था मेरे को यार, और सामने है वो मोमेंट हमारे। ओके, तो हम लोग आ गए हैं बाहर, और हमने सुना था कि ये जो ये कार्ट है, ये जो रिक्शा है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। तो अगर आप न्यूयॉर्क में ट्रैवल कर रहे हो तो इस रिक्शे को अवॉइड करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमें देखते हुए जा रहे कि हम इनको रोकेंगे, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। हमें पता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है ना। समझ गया तू इतने अच्छे से व्लॉग क्यों बना रही है, तू सो ली ना, फुल ऑफ एनर्जी होगी दोबारा तेरे में। मुझे नींद में ठंड बहुत लग रही है, देखो ग्लव्स पहने हुए हैं, ये मैंने कैसे लगाया हुआ है। मैंने सोचा था मैं यहाँ आके एकदम SRK की तरह ऐसे करूंगा उसके सामने, टाइम्स स्क्वायर के सामने, लेकिन हालत देखो मेरी, हवाएं भी चल रही है ठंडी यार। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? सोचना क्या है, नीतू अभी फील कर, हम जितना पास आ रहे हैं ना मेन उसके टाइम्स स्क्वायर के, उतना ज्यादा लाइट कितना पड़ रहा है अब चेहरे पे। मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं टाइम्स स्क्वायर आऊंगा मेरी ये हालत हो रखी होगी, बट ठंड इतनी है कि और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। चारों तरफ कैसा लग रहा है, यहाँ का एम्बियंस सबसे अलग है। आप लोग भी देखो एक बार, हर तरफ बिलबोर्ड्स ही बिलबोर्ड्स है। यहाँ पर यूट्यूब के भी एड्स चल रहे है। भाई मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे आ गए हो, और ये भी देखो कि क्रिसमस नाइट पर मैं यहाँ पर हूँ, जब सबसे ज़्यादा जगमग यहाँ पे होता है। ऐसा लग रहा है आधी दुनिया यहाँ है, क्योंकि इतना भीड़ है यहाँ पे। ठंड भी नहीं लग रही अभी तो, क्योंकि लोग इतने सारे हैं। भाई यहाँ कुछ हो रहा है, बहुत शोर शराबा मच रहा है, देखें कुछ तो है वो, कुछ डांस वगैरह हो रहा है शायद। भाई मज़ा आ गया यार यहाँ पर आकर, टाइम्स स्क्वायर आना। Wow guys, feel this यार, and thank you so much इतना सारा प्यार देने के लिए। हम आज यहाँ पर है तो सिर्फ उसका रीजन आप सब हो, आप सबका प्यार है। मेरा ड्रीम पूरा कर दिया, भगवान आप सबके ड्रीम पूरे करे यार, जो जो आप लोग सपने देखते हो। तारा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ठंड भी कम लग रही है। अच्छा ये जगह कैसी लगी तेरे को? अब तक तेरे को तो कोई क्रेज नहीं था यहाँ आने का, लेकिन मतलब मेरा हमेशा से सपना था यहाँ आना। आप तेरे को कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। तू सेंटा क्लॉस बन के वैसे भी घूम रही है? यस। गाइस पता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी विश लिस्ट में कोई चीज होती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें लगता है कि ये शायद ओवररेटेड है। वो लोग हाय कह रहे हैं। Yeah, YouTuber. Really? Yeah. How many followers do you got? तो मैं बता रहा था आपको, कई बार आपकी विश लिस्ट में जगह होती है और वहाँ जाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि वो कुछ ओवररेटेड है, लेकिन ये जगह ऐसी नहीं है। इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ओवररेटेड है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप लोग हर चीज करना एक बार, अपनी लिस्ट में ये भी रखना कि आप, मेरी लिस्ट में था नहीं लेकिन अब आ गया कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर जरूर आना है, वो भी अगर आप क्रिसमस टाइम पे आ पा रहे हो तो और अच्छा। ये बच्चों की तारीफ कर रहे हैं दोनों, बच्चों की तारीफ कर रहे हैं या मम्मी पापा की तारीफ कर रहे हैं? सबकी। अच्छा तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रॉकफेलर पर, यहाँ से खत्म करने के बाद, और वहाँ पर सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगता है। क्रिसमस की शाम वो चीज कैसे मिस कर दे हम, तो एक बार उसका भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम बहुत लकी है कि बहुत सही टाइम पर यहाँ पर आए, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और आप लोगों को भी करवा पा रहे हैं। इतना डेवलप्ड देश है, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के बैग यहाँ रोड पे मिलते हैं। मजाक कर रहा हूँ, सारे कॉपीड है। गाइस ये यहाँ पे दो टावर हैं जो कि रिजेंबल कर रहे हैं ट्विन टावर्स को। यही है वो क्रिसमस ट्री रॉकफेलर, तो यही है वो रॉकफेलर वाला क्रिसमस ट्री जिसके लिए हम यहाँ पर आए। गाइस एक छोटी सी दुविधा हो गई हमारे साथ, हम लोग जा रहे थे लाइट शो देखने और बीच में मेरे को सुसु लग गई है, क्योंकि पहले मैंने कॉफी पी, फिर मैंने एप्पल जूस पिया, फिर मैंने पानी पिया, और पिछले 3 घंटे से हम चल रहे हैं तो लाजमी सी बात है सुसु लगनी थी। अब यहाँ जाएंगे कहाँ ये नहीं पता,
जीजू एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जिससे पता चल जाता है सीक्रेट हिडन टॉयलेट जो आसपास होते हैं। ये बता रहा है इसके नीचे है यहाँ, इसके नीचे अमित शो का वेट कर रहे हैं। लखन और जीजू गए हैं वॉशरूम। और जीजू हमें कैसे काउंट मार रहे थे? अब शो स्टार्ट होगा, हम आपको दिखाएंगे कितना ब्यूटीफुल लगता है ये। इस सैड न्यूज ये है कि हमें एक लड़की ने बताया चलते हुए कि ये जो लाइट शो हो रहा है आज नहीं होगा, पुलिस ने बोला है। एंड सच में दिल सा टूट गया क्योंकि ये देखने का बहुत मन था। इतनी भीड़ है, लोग इतना वेट कर रहे हैं, तो भाई कुछ तो अच्छा होगा ना। तो उसने बोला दिस शो इज नॉट हैपनिंग एनीमोर, आज के लिए नहीं हो रहा है। बुरा लग रहा है। लखन और जीजू अभी कहाँ है दीदी? दो मिनट में आ रहे हैं। जीजू आप तो हमें गुस्सा कर रहे थे, अब आप अपने लखन को लेके चले गए? अरे भाई तुम लोगों ने जिस चीज के लिए वेट करा वो शो तो आज कैंसिल हो गया। और क्यों कैंसिल हुआ वो भी बता दे पहले एक बार। हमें क्या पता क्यों कैंसिल हुआ है? क्योंकि भीड़ ज्यादा है। क्यों जीजू? अनाउंस कर दिया भीड़ ज्यादा से शो ही कैंसिल कर दिया। इस दीवार के आगे कब से खड़े? हाँ हाँ। अरे हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी देखने के लिए। उससे पहले ये रेज पिज्जा करके, मैंने काफी नाम तो उसका सुना है। हम यहाँ पर आ गए, एक एक पिज्जा के स्लाइस खाते हैं और फिर निकलते हैं ऐसे। वैसे यहाँ रात के 9:30 बज गए, मतलब इंडिया में सुबह के 8 बज रहे होंगे। अभी तक का हमारा सबसे लेट है रात में, क्योंकि हम ज्यादातर यहाँ 6-7 बजे तक सो जा रहे हैं। सो गाइस ये है हमारा वेजिटेरियन पिज्जा, बड़ी मुश्किल से मिला है। कैसा लग रहा है? टेस्ट किया, कैसा है दीदी? दक्ष कैसा है? अच्छा है, यम्मी है। हाय डार्लिंग, हाय हाय बोलो हाय। जोई जली जली जोई भात खाओगी? दीदी मेरी सासू माँ ने मेरे को जले हुए चावल खिलाए। सुना मैंने, पता है आपको स्टोरी वाली? मैंने पूरा देखा था। सुनो दीदी, सुन तो लो, बात तो सुन लो। दीदी ने मेरे को जले हुए चावल खिला दिए पहले दिन। उन्हें लगा मुझे जले हुए पसंद है, कह रही तेरी सास खिला दी तो बड़े चाव से खाता है। ये अदित का जीजू है। गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो दक्ष है हमारा दीदी से बहुत डरता है। जब जीजू आसपास होते हैं तो इसको लगता है कि अगर मम्मी कुछ कह रहेगी तो पापा चुप करा देंगे मम्मी को। लेकिन अभी मैंने देखा जब तुम लोग वॉशरूम गए थे तो दीदी ने बोला दा चुप हो जा, एकदम फ्लैट ऐसे हो गया। ये इसको पता था अभी ये पिट भी बेसमेंट में है। अच्छा थैंक गॉड हम आ गए चल चल के गाड़ी के पास तक। इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंड ज्यादा ही लग रही है। आज लग रही जीजू आपको भी ठंड? यार मुझे भी लग रही है आज तक। अब सोचो जो इंसान यहाँ 6 साल से रह रहे हैं उनको ठंड लग सकती है, तो हमारा क्या हाल हो रहा होगा। ओके गाइस हम लोग घर पर आ गए, मेरी तो आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, बट बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत 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 अच्छा दिन। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, रात के 12 बज रहे हैं यहाँ पर, और इंडिया में बज रहे होंगे 1 या 2 दिन के यहाँ पर। सुबह के साढ़े दस लेकिन यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं। ओके गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, कमेंट्स करके बता देना, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया। बाय बाय।